नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। जगदलपुर शहर के गुरु घासीदास वार्ड के वार्डवासियों ने पूर्व विधायक रेखचंद जैन, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर वार्डवासियों ने पूरा मामला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग को बताया और 35 से 40 के लगभग आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वार्डवासियों ने बताया कि संगीता नाग नामक एक महिला नौकरी लगाने के नाम पर 40 से अधिक लोगों से पैसे ली है और यही नहीं बल्कि इस महिला ने तो नगर निगम को भी नहीं छोड़ा। वार्डवासियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के नाम पर भी लाखों रुपए को भी लूट चुकी है। गुरु घासीदास वार्ड के पार्षद ने बताया कि मुझे भी इस मामले की जानकारी कुछ दिन पूर्व ही हुई थी, तो आज मैं पूर्व विधायक को यह मामले की जानकारी दिया तो पूर्व विधायक ने कहा कि गरीबों की हमेशा आवाज रही है, कांग्रेस पार्टी तो आज भी रहेगी और ऐसे ठगी करने वालों को और 420 के लोगों पर हमेशा सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करती रहेगी। अजीत बोलेरो वाहन मालिक ने बताया कि उसे लीज पर 30,000 रुपए प्रति माह पर वाहन देने की बात हुई थी और संगीता नाग ने अपने आप को कलेक्टर ऑफिस का कर्मचारी बताया और लोगों से ठगी करती थी। जब यह मामले की पूरी जानकारी वार्डवासियों को पता चला तब तक संगीता नाग बोलेरो वाहन लेकर ही फरार है और पुलिस का कहना है कि मामले में थाना परपा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र का मामला है। ये गुरु घासीदास वार्ड और जगदलपुर के और वार्ड हैं, शांति नगर है और जो स्लम बस्ती है वहाँ के हमारे गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर संजीता नाग नाम की महिला, जो कि इन गरीबों को सब्ज बाग दिखाकर, प्रधानमंत्री आवास दिखाकर इनको दिलाने के लिए इनसे किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, एक महिला से तो नौकरी दिलाने के नाम पर 70,000, एक से बोलेरो लेके भग गई है और इस तरीके से लाखों रुपए का घोटाला करने का काम की है, ठगने का काम की है। ये गरीब वर्ग के लोग हैं, कर्जा लेकर उधार लेकर ये पैसा को दिए हैं। आज इस बात को एक महीना से भी ज़्यादा हो गया है, इनको आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। आज हम कांग्रेस परिवार के लोग इन गरीबों की बात को सुनकर इनकी लड़ाई के लिए आज हमने सबका अलग अलग आवेदन लिया और आवेदन लेके एसपी साहब से चर्चा हुई। एसपी साहब रायपुर मीटिंग में हैं, एडिशनल साहब जो महेश्वर नाग जी हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है, उनसे हम लोग मिले, मिलकर उनको आवेदन दिए हैं और इस पर तत्काल FIR दर्ज होने की उन्होंने बात कही है और गरीबों के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और इनका हक अधिकार इनको वापस दिलाया जाएगा और इस तरीके का और सारे जो भी आवेदन आएंगे उस पर फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। नगर निगम के जो फार्म है उसमें भरवा के लोगों से पैसा ले के, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नगर निगम वाला फार्म नहीं था, ये उसने अपना कोई एक अलग से एक फॉर्म बनाया, उसमें लोगों से दस्तखत कराया, पैसा लिया, मतलब सीधा सीधा 420 का काम, ठगने का काम इसने किया है। ऐसे लोगों को खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग हम लोग कर रहे हैं और हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है, SP साहब पे पूरा भरोसा है, एडिशनल साहब पे भरोसा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी और गरीबों को उनका न्याय और हक मिले। आरोपी का आधार कार्ड में भी नाम अलग है, आधार कार्ड में वो फोर्जरी है, उसका नाम संजीता नाग पति राजू नाग बताया जा रहा है, ये बकावन ब्लॉक के सरगीपाल की निवासी बताया जाता है इसको, और आधार कार्ड में इसका जो नाम है मेरोलिन डिगल पति यूटिया, ये रामनाथपुर हैदराबाद तेलंगाना का एड्रेस दर्ज है। जो 420 करने वालों को लोग इसी तरीके का काम करते हैं और परपा पुलिस में एक हफ्ता पहले किसी दो की रिपोर्ट पर उसको पकड़ा भी गया था, तो मैं पैसा वापस दे दूँगी, FIR मत कराओ बोल के वो बच के निकल गई, लेकिन हमने SP साहब को भी बताया और एडिशनल साहब को भी बताया है कि परपा TI से इसकी जाँच कराए, क्योंकि इस मामले को वो जान रहे हैं, इस महिला को जान रहे हैं, ताकि कार्रवाई करने में और पकड़ने में जल्दी आसानी हो। वो कार लेके गया सर, मेरा ड्राइवर कार है, वो लीज में दिए गए एक महीना को 35,000 दिएगा बोल के लेके गया है, 15-16 दिन हुआ है अभी तक नहीं मिला, फ़ोन करेगा तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है,
लीज में देगा, कहाँ पर लगा के देगा लीज में, ये तो बताया होगा ना? वो मैं कलेक्टर ऑफिस में काम कर रहा है और क्या बोलता है एक ऑफिसर है ऐसा बोला है सर। नहीं तो कहाँ लगा देंगे लीज में ये नहीं बताया, कौन सा ऑफिस? नहीं मैं खुद लेगा बोला, कलेक्टर ऑफिस में मैं काम कर रहा है, मेरा को थोड़ा गाड़ी चाहिए ऐसा बोला। आपने बिना लिखा पढ़ी के दे दिया? लिखी पढ़ के दिया सर। कुछ एडवांस वगैरह पैसा भी दिया? नहीं कुछ एक पैसा भी नहीं दिया। आप लिखा पढ़ी किए हो? हाँ सर। मेरे से पहले नौकरी के नाम में 20,000 ली और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास दूंगी करके 15,000 रुपये ली। तो इससे पहले आप उनसे संपर्क कैसे किए? वो मेरी एक ननंद है, वो उन लोग से भी आवास के नाम में पैसा लिए थे वो लोग, तो वो मेरे को बोली कि भाभी घर मिल रहा है तो आप भी ले लो करके, वो मेरे को इनके यहाँ मिली थी और फिर उसके बाद इनके यहाँ मिलने के बाद फिर घर आई, घर से 20,000 रुपये लेके गई नौकरी के नाम में, कलेक्ट्रेट में नौकरी दिलाऊंगी करके। कलेक्टर ऑफिस में आपको नौकरी जी? तो आप लोगों ने पैसा दिया उनको? जी। कितना पैसा आपने दिया नौकरी के नाम? 20,000। और घर के लिए? 15,000। मामला ये है, कोई संगीता ना करके एक महिला है जो मेरे वार्ड के लोगों को बैला फुसला कर वो प्रधानमंत्री आवास का मकान दिलाऊंगी करके किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000 लेकर एक धोखाधड़ी काम की है जो कि सरासर बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। जब मैंने उनको किसी से नंबर लेके एक बार फ़ोन किया था तो मैं बोला कि मैं पार्षद हूँ बोला, तो मेरा फ़ोन जैसा पार्षद बोला वो बोल काट दी हेलो बोल के वो। तो आपके वार्ड वासी आपसे पहले से संपर्क नहीं हो पाए, तो आज अचानक कैसे संपर्क किया गया आपसे? नहीं मेरे से संपर्क किए थे अब कुछ दो चार लोग, मैं कुछ लोगों को मना किया था, बाकी कुछ लोग मतलब वो पैसा बैला फुसला की कि मतलब वो उनसे पैसा वसूली ली अच्छे टाइप का काम की, वो मेरे तक जानकारी आने नहीं दी, वो इस टाइप का वो वारदात को अंजाम दी है वो। तो हम लोग आज SP साहब कार्यालय में आए थे उनका उसके खिलाफ कंप्लेन लेके, तो हम लोग मांग करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपके वार्ड से लगभग कितने लोग होंगे? मेरे वार्ड से लगभग 35 है वो है। तो आपको अभी तक पता ही नहीं चला 35 लोगों के साथ ऐसा हो गया? नहीं अब ऐसा हो गया कि दो चार लोग बताए थे, मैं मना किया था उनको कि मत दो करके, अब वो ऐसे क्योंकि वो बैला फुसला कर उनसे वसूली कर ली वो। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।